हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू एग्जाम वॉरियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे करेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज, और यह चैप्टर इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम लोग मेमो आप लोगों ने इससे पहले करेंसी तो पढ़ा होगा, मगर आप इस सत्र में आप लोग पढ़ोगे कि करेंसी को मेमोनिक्स के लिंक से, मतलब मेमोरी लिंक से हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, मतलब हम लोग इसको जिंदगी भर कैसे याद रख सकते हैं। अब आप लोगों ने रट्टा मारा होगा, मगर इस बार रट्टा को भूल जाओ और भूलना भी भूल जाओ। आप लोग जानते हो कि आईनेट में एक क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स, एंड देन आफ्टर रेलवे और एसएससी और एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप एंड नेवी एए एंड एसएसआर के लिहाज से करेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंट्री बहुत ही मायने रखता है। आप लोग को यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ हैं। हम लोगों को मिलेगा पहला करेंसी, जो कि मेमोरी लिंक के तहत हम लोगों ने बनाया है, जिस जो है फर्स्ट करेंसी है बुल्गेरिया। बुल्गेरिया का करेंसी क्या है? बुल्गेरिया का करेंसी है बुल्गेरियन लेव। बुल्गेरियन लेव अगर बोलूँ मैं तो, इसका हम लोगों ने मेमोरी लिंक बनाया। और इसका मेमोरी लिंक कैसे बना? जैसे मैंने बुल्गेरिया का बना दिया कि बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से हमको पता चल जाएगा कि ये बुल्गेरिया है। बैलगाड़ी से हम लोगों ने लिंक कर दिया बुल्गेरिया को। एंड लेबर के पास होते हैं, मतलब आप लोग मान लीजिए कि बैलगाड़ी किसके पास होते हैं? बैलगाड़ी लेबर लोगों के पास होते हैं। तो मैंने यहाँ पर बैलगाड़ी से बनाया बुल्गेरिया एंड लेबर से बनाया लेव। तो हम लोगों ने देखा कि बैलगाड़ी से बुल्गेरिया और लेबर से लेव, तो फिर हम लोगों ने करेंसी बुल्गेरिया का क्या बताया? बुल्गेरियन लेव। बुल्गेरिया का करेंसी है बुल्गेरियन लेव। इससे पहले आप लोगों ने करेंसी पढ़ा होगा, मगर मेमोरी लिंक से आपके दिमाग में डायरेक्टली ये सालों साल तक बैठ जाएगा। आप जैसे ही बैलगाड़ी देखोगे, आपको याद आ जाएगा कि मैंने पढ़ा था करेंसी बुल्गेरिया का, जो कि है बुल्गेरियन लेव, मतलब बैलगाड़ी लेबर लोगों के पास होती है। ऐसे ही हम लोगों ने लिंक किया पुर्तगाल को भी। पुर्तगाल का करेंसी है पुर्तुगुइज स्क्यूडो। पुर्तगुइज स्क्यूडो की बात करें तो इसको भी हम लोगों ने मेमोरी लिंक के तहत ही इसको हम लोगों ने फ्रेम किया। जैसे पोर्ट पर, मान लीजिए कि आप लोग पोर्ट में गए हो, और पोर्ट में मतलब बंदरगाह में आप क्या करने गए हो? स्कूबा डाइविंग करने गए हो। स्कूबा से बना स्क्यूडो एंड पोर्ट से बना पुर्तगाल। आपको जैसे ही पोर्ट दिखेगा, आपको याद आ जाएगा कि आप पोर्ट में किस लिए गए थे? स्कूबा डाइविंग करने के लिए। तो स्कूबा से आ जाएगा स्कूडो एंड पोर्ट से आ जाएगा पुर्तगाल। तो इसको मैंने और भी एफिशिएंट करने के लिए आपको यहाँ पर हिंदी रोमन में भी लिखा हुआ है। आप अगर हिंदी नहीं जानते हो तो फिर आप रोमन इंग्लिश में देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइसलैंड का। आइसलैंड का करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। आइसलैंडिक क्रोना को हम लोगों ने मेमोरी लिंक से फ्रेम किया। आइसलैंड में ज्यादा कोरोना फैला, मतलब यहाँ पर आइसलैंड मतलब है जो आइसी एरिया है, मतलब जहाँ पर स्नोफॉल्स होती है और जहाँ पर ज्यादा ठंडा है, वहाँ से ही ये कोरोना की उत्पत्ति हुई, मतलब ओरिजिनेट हुआ। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने बनाया फिर आइसलैंड से आइसलैंड, और कोरोना से हुआ क्रोना। आइसलैंड का करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, यही है आइसलैंडिक क्रोना, और यही है पोर्तुगीज क्यूडो, एंड देन आफ्टर ये बुल्गेरियन लेव, जिसको हम लोगों ने बनाया लेवर से लेव, बैलगाड़ी से बुल्गेरिया, और पुर्तगाल को हम लोगों ने बनाया पोर्ट में आप लोग क्या करने गए हो? स्कूबा डाइविंग करने गए हो। और आइसलैंड से हम लोगों ने बनाया कि आइसलैंड में ज्यादा कोरोना फैला, मतलब जहां पर स्नो एरिया है या फिर ठंडा इलाका है, वहीं से कोरोना फैला। इस तरफ हम लोग देखेंगे तो हमें मिलेगा रशिया। रशिया का करेंसी है रशियन रूबल। और रशियन रूबल रूबल को अगर हम लोग मेमोरी लिंक के तहत इसको कनेक्ट करना चाहे, फ्रेम करें, तो फिर आपको दिखेगा यहाँ पर कि रूस, रूस हुआ रशिया। आप लोगों को पता है कि रशिया सबसे बलवान देशों में एक है, मतलब पावरफुल देशों में एक है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर इसका कोड वर्ड बनाया, मेमोरी लिंक बनाया बल। आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि
कि आपके सामने रूस है, और रूस कैसा टाइप का है? बलवान टाइप का, उसके पास आर्मी का पावर बहुत है। देन आफ्टर आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर बल, और बल से हम लोगों ने बनाया क्या? रूबल। तो बल से बना रूबल, तो रशिया से बना रूस, रूस से बना रशिया, एंड देन आफ्टर बल से बना रूबल। तो रशिया का करेंसी क्या है? रशियन रूबल। इजी इजी है इसको याद रखना, मतलब मेमोरी लिंक को याद रखना, मतलब इसको मेमोरी लिंक को याद भी नहीं रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको अगर रूस इमेजिन करोगे आपके दिमाग में, तो आपको पता है कि रूस एक पावरफुल कंट्री है। अगर पावरफुल कंट्री है तो उसके पास बल है, पावर है, देन बल से हुआ रूबल। देन हम लोग पढ़ेंगे मैसेडोनिया। मैसेडोनिया का करेंसी क्या है? मैसेडोनियन दिनार। मैसेडोनियन दिनार को अगर लिंक करना चाहे तो मान लो यहाँ पर सभी बातें फालतू है मगर काम की है। अगर हम आप लोग देखोगे यहाँ पर मेसी, मेसी को ब्लड डोनर कहा जाता है, मतलब मेसी ब्लड डोनेट करता है, और इसी इसी के वजह से मेसी को ब्लड डोनर कहा जाता है। मेसी को ब्लड डोनर कहा जाता है, तो फिर डोनर से हुआ दिनार, मेसी से हुआ मैसेडोनिया, एंड डोनर से हुआ दिनार। मेसी क्या करता है? ब्लड डोनेट करता है, डोनर है मेसी, ब्लड डोनर है। तो जैसे ही आप लोगों को मेसी दिखेगा तो फिर आप लोगों को दिमाग में ये दिख जाना चाहिए कि मेसी क्या है? ब्लड डोनर है। अगर मेसी ब्लड डोनर है तो फिर यहाँ से हम लोगों ने लिंक किया मेसी डोनिया। मेसिडोनिया का करेंसी क्या है? मेसिडोनियन दिनार। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे घाना। घाना से हम लोगों के ना देखा कि आप लोगों को, मान लीजिए कि आपको अगर ऑप्शन दी जाए कि आप लोग जंगल में जाओ जाओ अकेले, और आपके पास एक ही ऑप्शन दी जाए कि आप एक ही चीज़ लेके जाते हो, तो फिर आप घने जंगल में क्या लेके जाओगे? आग लेके जाओगे। आग मतलब एक मैचेस लेके जाओगे और एक कैंडल लेके जाओगे, या फिर ऑल्टरनेटिव वे में आप फायर लेके जाओगे। ठीक, तो फिर आप लोग देखोगे यहाँ पर घने जंगल, घने जंगल, घने से हुआ घाना, और आप जंगल में आपके पास क्या है? कैंडल है, कैंडल से हुआ सिडी। घाना घनियन घानियन सेडी, यही हुआ कैंडल से हुआ सेडी, और घाना घने घाना से हुआ घने। घने जैसे ही दिखे घने जंगल में आप क्या लेके गए हो? कैंडल लेके गए हो, कैंडल से हुआ सेडी, कैंडल से हुआ सेडी, और घने से हुआ घाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माली। माली का करेंसी है मालियन फ्रैंक। ये फोटो देख पा रहे हो, ये है मालियन फ्रैंक। ठीक, आप लोग इसका मेमोरी लिंक अगर बात करोगे तो फिर मेमोरी लिंक में आप लोग देखोगे कि आप लोग बचपन में माली जब आम तोड़ने जाते थे, तो फिर आप लोग माली माली लोगों को, माली जो रहते थे उन लोगों को बहुत परेशान करते थे। कैसे? आप लोग आम के बगीचे में जाते थे, पत्थर मारते थे और आम लेके आ जाते थे, और माली आप लोगों को भगाया करता था। याद है उस बचपन के दिन, वो बचपन के दिन? तो फिर आप याद करिए, आपको इमेजिन करिए बस एक बार कि आप लोग क्या कर रहे हो, माली को पत्थर फेंक कर मार रहे हो। ठीक है, आपने पत्थर फेंकते फेंकते माली को मारा पत्थर से। ठीक, तो फिर यहाँ पर माली से हुआ माली, और पत्थर फेंक, पत्थर फेंका आपने, तो फेंका से हुआ फ्रैंक, फेंक से हुआ फ्रैंक। माली को आपने पत्थर फेंक कर मारा, फेंक, फेंक से हुआ क्या? फ्रैंक। तो माली का करेंसी है मालियन फ्रैंक। देन सुदान, सुदान का करेंसी है सुदानीज पाउंड। मेमोरी लिंक की अगर बात करें, हम लोग डायरेक्ट मेमोरी लिंक पे जम करते हैं, हमको याद नहीं करना है, ये हमको करेंसी याद नहीं करना है, तो हम लोग इसको मेमोरी लिंक से देखेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि मेमोरी लिंक से कैसे इसको रिलेट करें। तो फिर हमें दिखा यहाँ पर सुदान। मान लीजिए कि आपने किसी से सूद लिया है, पैसा पैसा सूद में लिया है, तो आप किस लिए सूद लिए हो? आप पॉन्ड में मछली पालन करने के लिए सूद लिए हो, मतलब आपने पैसा लिया किसी से किस लिए? मछली पालन करने के लिए। कहाँ पर मछली पालन करोगे? तालाब में करोगे। अगर तालाब में मछली पालन करोगे तो पॉन्ड, पॉन्ड तो सुदान का, सूद में आपने पैसा लिया किस लिए? पॉन्ड में मछली पालन करने के लिए, तो पॉन्ड से हम लोगों ने बनाया पॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े तो हमें मिलेगा साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से हमें करेंसीज का पता चला कि साउथ अफ्रीकन रैंड। ठीक, तो फिर इसको हम लोगों ने मेमोरी लिंक में कोड किया, तो हमें मिलेगा यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का टीम। आप लोग इमेजिन करो कि दक्षिण अफ्रीका का टीम का जो ड्रेस है वो रेड ड्रेस है, मतलब दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट टीम क्या
क्या ड्रेस पहनती है? रेड ड्रेस पहनती है। तो फिर अगर रेड ड्रेस पहनती है तो फिर मैंने यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका दिमाग में लाया। दक्षिण अफ्रीका जैसे ही दिमाग में आया तो रेड ड्रेस आया, और रेड ड्रेस से क्या बना? रैंड। ड्रेस से रेड से बना रैंड। तो फिर साउथ अफ्रीका का करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। साउथ अफ्रीकन रैंड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमें मिलेगा क्यूबा। क्यूबा का क्या है? पीसो। चलिए यहाँ पर एक मैं स्टोरी बोलता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप लोग मेस में रहते हो, सब एक दिन आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग खुद एक डिलीशियस खाना बनाओगे। तो आपके मेस में जितने सारे भी बंदे हैं, आप लोगों ने उनसे मतलब सबको काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि तुम ये बनाओ तुम वो बनाओ, ठीक है। और एक बंदे को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया कि आप तुम मसाला पीसना, ठीक। सभी ने काम कर दिया मगर मसाला अभी तक नहीं पीसा गया, ठीक। तो फिर मसाला अगर पीसना है तो फिर आप क्या बोलोगे उसको? आप बताओगे ऐसे, क्यों बे मसाला पीसो, क्यों बे मसाला पीसो। अगर मसाला पीसो तो फिर यहाँ से क्यों बे से हुआ क्यूबा, और मसाला पीसो से हुआ पीसो से हुआ पीसो। तो फिर क्यूबा का करेंसी क्या है? मसाला पीसो। नेक्स्ट पनामा। पनामा की बात करें तो फिर इसका करेंसी है पनामेनियंस बल्बुआ। इसका मेमोरी लिंक अगर हम लोग देखें तो फिर मान लीजिए कि इसको अगर स्टोरी रिलेटेड कर किया जाए इसके साथ, तो फिर आप मान लीजिए कि आप प्रणाम करने के लिए मंदिर में गए हो, और प्रणाम करने से पहले आपको बोला गया कि आप बल्ब जलाओ, अंधेरे में थोड़ी ना प्रणाम करोगे, बल्ब तो जलाना ही पड़ेगा। तो फिर आपने प्रणाम करने से पहले आपके घर का मंदिर का बल्ब जलाया, उसके बाद प्रणाम किया। अगर आमने सामने नहीं दिखेगा तो फिर किसको प्रणाम करोगे, ठीक। तो फिर आपने बल्ब जलाया और फिर प्रणाम किया। प्रणाम करने से पहले बल्ब जलाकर आओ, मतलब आपका बुजुर्ग ने बोला कि प्रणाम करने से पहले आप बल्ब जलाओ उसके बाद प्रणाम करो, अंधेरे में किसको प्रणाम करोगे, ठीक। तो फिर यहाँ पर प्रणाम से हुआ प्रणामा पनामा, और देन आफ्टर यहाँ बल्ब से हुआ बल्बोआ, मतलब पनामेनियंस बेल्बोआ, बल्ब से हुआ बेल्बोआ। आपको याद कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ मेमोरी लिंक आपके दिमाग में बस इमेजिन करना है 3 सेकंड के लिए। आप प्रणाम करने गए हो मंदिर में तो फिर आपको बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी, आप देख के ही प्रणाम करोगे, तो बल्ब से हुआ बल्बोआ, पनामा का पनामेनियंस बेल्बोआ। नेक्स्ट मॉरिशियस की बात करेंगे। मॉरिशियस की बात करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर मॉरिशियन रुपी। मान लीजिए कि इसको अगर हम लोगों को कोड करना हो तो हम लोग कोड करेंगे इसको, मेमोरी लिंक से कोड करेंगे, तो आपको याद करना नहीं है। तो मेरे सास, मतलब मान लीजिए कि आपके सास के पास बहुत रुपया है, क्या है? आपके सास के पास बहुत रुपया है। अगर आपके सास के पास बहुत रुपया है तो फिर आप लोग बताओगे इसको, मेरे सास के पास बहुत रुपया है। अब देखिए, मेरे सास से हुआ मॉरिशियस और रुपया से हुआ रुपी, मतलब मेरे सास के पास क्या है? मॉरिशियन रुपी है, रुपया से हुआ रुपी। आपको याद नहीं करना, मेरे सास जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो मेरे सास के पास क्या है? बहुत रुपया है, रुपया से हुआ रुपी। नेक्स्ट मोरक्को। मोरक्को का क्या है करेंसी? दिरहम। याद तो करना नहीं है, चलिए इसको मेमोरी लिंक से देखते हैं। मान लीजिए कि आपका एक छोटा भाई है, और छोटा भाई आपको परेशान कर रहा है, और आपने क्या किया उसको? धड़ाम से जाके पीठ में मार दिया, और आपके छोटे भाई ने आपके मम्मी को बोला कि देखो भैया मुझे धड़ाम से मारा, ठीक है, देखो भैया ने मुझे धड़ाम से मारा। अगर ये बताया तो फिर आप देखो यहाँ पर, भैया ने मेरे को धड़ाम से मारा, मेरे को से हुआ मोरको और धड़ाम से हुआ दिरहम। भैया ने मेरे को धड़ाम से मारा, ठीक, मेरे को से हुआ मोरको और धड़ाम से हुआ दिरहम। आज के लिए 15th करेंसी ही करेंसी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अगला 15 करेंसी पढ़ेंगे, और देखेंगे कैसे हम लोग मेमोरी लिंक के तहत हम लोग इतना सारा करेंसी याद कर लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड देन आफ्टर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू ऑल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।